जी, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्रकिंग व्लॉग। टूपर टूपर सब मुँह मां कवर किया हुआ क्योंकि कल राती स्नो पी तो टेंपरेचर भी -19 फील्स लाइक -24। तो नवा ट्रक चकना क्योंकि मेरे वाला ट्रक साढ़े ओनर लेके गए हुए ने, तो कहते भी एक खड़ा है वॉल्वो ओ ले जी। तो आ हालात ने वॉल्वो रे, थोड़ा क्लीन अप करना पैना, थानू भी दिखाना मैं। चेको मून सवेरे सवेरे 6 बजे का टाइम आ राइट नाउ, बट कैमरा कितने सेट होन दिया, थोड़ी क्लैरिटी इदा ठीक है। सो प्री ट्रिप कर लिए फटाफट, ठंड बहुत आ, खिच के काम करना पैना अपन। ठंड बहुत आ, तो लेट्स सी रीफर स्टार्ट होना अपना अज कि नहीं होना। लाइट तो चल पी, जे स्टार्ट हो गया फिर असं यह लग जावे। ट्रक स्टार्ट तो हो गया बट लगता थोड़ी जी खराबी है ये, बट देखना पैना, माड़ा जहा यार्ड चला के देखते हैं। ओके रीफर भाजी तुसी हो जाओ स्टार्ट, ठंड नाल चीज़ें खराब हो जाए यार। -10 का सैट किया हुआ टैंपरेचर है, गैस पुराना लोड -10 का होगा। ठंड बहुत जे बजी तो है घंटी, डीजल इंजन स्टार्टिंग। चल भी शेरा, चल भी चल भी चल भी, हो जा मार दे सेल्फ। क्यों ठंड च खड़ाई जन्ना मैनू? पता नहीं ट्रक च ग्रीस हैगी कि नहीं हैगी, मैं बाद देखूंगा। कैटवॉक भी साफ कर लीए, घूम गया मेरा हैंडल। ओहो हाथ खुले रह गए, ठंड लगना पी। सॉरी कैमरा बड़ा हिल रहा, हत्था च फड़िया हो जाता भाई, आ भी दबिया हुई है। नवे टायर ने ट्रेलर ट्रक ट्रेलर
ट्रक का एक टायर भी 400-500 के लागे छक गया। चलो जी हम समान रखिए ट्रक के अंदर तो करिए ट्रेला से चलिए। ब्रश न गड्डी रख दी लो जी आगे असी वापस एक नए ट्रैकिंग व्लॉग के साथ। सो जैसा सुबह सुबह आपने देखा कितनी स्नो पड़ी हुई थी, अबाउट 3 से 4 इंच स्नो पड़ी हुई ओवरनाइट, एंड सब साफ कर करके ट्रेलर हुक किया और रीफर स्टार्ट हुआ, निकल गया मैं यार्ड से। 40 किलोमीटर के ऊपर ट्रक स्टॉप आता है जहाँ पे मैं तेल डलवा रहा था, एंड मेरा रीफर जो है ट्रेलर जो है ट्रेलर और उसका जो रीफर मींस उसका जो फ्रिज होता है मशीन होती है जो फ्रिज वाली वो बंद हो गई, शट डाउन होगी। उसके ऊपर अलार्म आया जो कह रहा था कि अल्टरनेटर चेक एंड इंजन शट डाउन रीस्टार्ट नल। 2-3 टाइम मैंने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि अभी लोड उठाया भी नहीं है और रीफर ख़राब हो गया। चलो जी स्यापा पहला उतना ही पै गया, एंड फिर अभी ओनरों से उस टाइम पे बात की एंड बोले कि ठीक है वापस ले आओ और दूसरा ट्रेलर उठा लो। तो फिर मैं 40 किलोमीटर वापस गया, हालांकि यहाँ पे पता ही आपको कनाडा यूएस में 40 किलोमीटर मींस कुछ 20-25 मिनट की ड्राइव है राइट। एंड वापस पहुँचा, अनहुक किया, नया ट्रेलर हुक किया, उसकी भी कुछ लाइट्स एक दो मार्कर लाइट्स जो होती हैं वो भी फ्यूज़ थी, बल्ब फ्यूज़ थे उसके, तो वो हमारे यार्ड में ही मैकेनिक है तो उसने रिपेयर किए। एंड फिर वहाँ से निकले, मैं लेट हूँ प्रेटी मच अपनी पिकअप लोकेशन पे पहुँचने के लिए, मैं एटलीस्ट 3 घंटा लेट हूँ ऑलमोस्ट नाउ इसी चक्कर में। सो होपफुली फिंगर क्रॉस्ड कि मेरा जो शेपर है वो इतना ज़्यादा खुसट ना हो या गुस्सा ना करे या यू नो कि हमारा दिन ख़राब हो जाए। अभी अबाउट ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, सो मैं सुबह 6 बजे का निकला हूँ घर से, उठा मैं 4 बजे का हुआ हूँ एंड अभी 12 बजने को आ गए हैं ऑलमोस्ट, एंड इट्स जस्ट फील लाइक कि दिन सुबह सारा मॉर्निंग जो है वो वेस्ट होगी मेरी। ये बाइक जा रही है मेरे साथ जिसको मैं ओवरटेक कर रहा हूँ कर्व के ऊपर से, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इतने कैमरे इंस्टॉल किए नहीं है तो सॉरी आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट या ओवरटेक हो रहा है सेफली हो रहा है। सॉरी मैं क्या कह रहा था कि हाँ दिन ख़राब हो रहा है, मेरी मॉर्निंग पूरी ख़राब हो चुकी है इसी चक्कर में। सो अभी मैं बस उड़ता हुआ जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन की तरफ, सो होपफुली अगले अभी भी मेरी 1.5-2 घंटे की ड्राइव बाकी है एंड hopefully you know they will be able to load me up today and I'm hoping to deliver it tomorrow in the afternoon. So Washington USA ka trip hai, trip ki detail mein obviously Calgary se MT ja raha hu main Tabor ke aas paas, and then wahan se pick up karke jana hai USA Washington via Cranbrook BC. BC means British Columbia. एंड काफ़ी हिली पहाड़ी एरिया है, सो फिंगर्स क्रॉस कि वो रास्ता सही हो।
होपफुली कोई स्नो ना आए, ब्लोइंग स्नो नहीं है। लेथब्रिज काफ़ी विंडी एरिया है, सबको पता है अल्बर्टा बीसी में रहने वाले लोगों को, बहुत हवा चलती है और फ्रेश स्नो पड़ी है। मेरे को बस ये कि बस ब्लोइंग स्नो ना स्टार्ट हो जाए होपफुली उस, क्योंकि दोपहर तक हवा बहुत तेज़ हो जाती है। सो अभी कुछ ऐसा सिलसिला है नहीं हवा का, और मेरा एम्प्टी ट्रेलर है। सो एक्चुअली ये जो रोड है ना स्ट्रेच जो है, ये कैलगरी टू लेथब्रिज वाली, इसके ऊपर खाली एम्प्टी ट्रक जो ट्रेलर्स हैं वो पलट जाते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, रियल है। सो हवा नहीं है इतनी, सो उस प्रकार से उस नजरी क्या बोलो इसको, सो उस पॉइंट से मैं गुड हूँ, राइट। साडा गार्मिन जीपीएस कह रहा है कि टर्न लेफ्ट। सो अरे वाह, एक दो तीन चार ट्रक मोड़ रहे हैं लेफ्ट, क्या बात है, सब लोग ये शॉर्टकट लेते हैं। एंड या वाशिंगटन डिलीवरी करते हैं, तो इस ट्रकिंग ब्लॉग में मैं सिर्फ इतना ही कवर करूँगा। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, अगर कुछ भी एक्साइटिंग यू नो कुछ भी डेयरिंग या नास्टी नज़र आता है मेरे को तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए पहुँचते हैं अपने पिकअप लोकेशन के ऊपर और मैं मिलता हूँ आपको आगे चल के। सी इन अ बिट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना भूल गया, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर धीरज ट्रकिंग चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका बहुत अप्रिशिएट करूँगा। एंड ओवरऑल अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर थम्स अप लाइक कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन है आपको, कुछ भी पूछना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, कैनेडा के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। सो चलिए पहुँचते हैं अपने पिकअप लोकेशन पे और उठाते हैं अल्लू, क्योंकि अल्लू हमारा वेट कर रहे हैं। सो मिल दे। तो पिकअप लोकेशन पर पहुंच गए हैं और ऐसा लग रहा है कि आलू का जो ये लोड है, ये लोग बिना बोरों के, लाइक बोरी जो होती है जैसे बड़े बड़े यू नो बोरियां होती हैं, उसमें नहीं है, ये सीधा अंदर गिरा देंगे। इनके पास वो मशीन है जिसके ऊपर पोटैटो उधर से डालते हैं और वो सीधा जाके अंदर क्या कहूँगा उसको, फैला देते हैं व्हाटएवर। तो खिलारा पूरा पड़ने वाला है ट्रेलर के अंदर। सो ये डिलीवरी के बाद भी धुलवाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली पोटैटोज एंड मिट्टी से भरे हैं एंड डायरेक्टली ऐसे फेंक रहे हैं, सो बहुत मिट्टी आने वाली है। थोड़ा ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ नहीं हुई है मेरे साथ कि उन्होंने बे के अंदर डाल के ये पूरा का पूरा जो फ्रंट का डोर है ये पूरा ऐसे उठा दिया उन्होंने, जैसे वो लगा हुआ है, पावर लिफ्ट लगी हुई है, तो ये पूरा उठ गया ट्रेलर, इसके अंदर बैक किया मैंने। अभी थोड़ा शीशा डाउन करके दिखाता हूँ मैं, चाबी ऑन, थोड़ा नॉइजी हो जाएगा, पूरा अंदर उन्होंने डाल दिया मैंने। और जो बंदा था जो मेरी हेल्प कर रहा था बैक करने में, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर जब डार्क होता है तो दिखाई नहीं देता है कि ट्रेलर कहाँ जा रहा है, सो तो फोन की टॉर्च लाइट के साथ उसने मेरी हेल्प की बैक करने में अंदर। सो फर्स्ट टाइम में ही लग गया है, सो इट्स ऑल गुड। अभी लोडिंग के फिनिश होने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या खिलारा पड़ा हुआ है। सो आई थिंक ये लोग फास्ट लोड कर रहे हैं, सो मुझे लगता है 20 से 25 मिनट मे बी आधा घंटा लगेगा यहाँ पे, एंड देन वी विल स्केल करेंगे। यहाँ पे इनकी अपनी स्केल है, सो दैट्स गुड, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट स्केल जो है वो लेथब्रिज में है जो कि अबाउट 100 किलोमीटर है। सो अगर ओवरलोड हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ओवरलोड हुआ क्योंकि US जाना है तो ऑब्वियसली 80,000 पाउंड की लिमिट है, कनाडा में फिर भी ज़्यादा है, लेकिन US के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि हम US में एंटर हो रहे हैं, तो
तो 80,000 का लिमिट है, तो यहाँ पे इनके अपने स्केल है, तो उसका बेनिफिट ये है कि मैं यहीं पे स्केल कर लूँगा, अगर ओवरलोड अगर ओवर होता है तो ये फिर यू नो थोड़ा सा सामान निकाल लेंगे, थोड़े से आलू निकाल लेंगे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब बढ़िया हो। इन्होंने मेरा इनिशियल एम्प्टी ट्रेलर का और ट्रक का वेट ले लिया है पूरा, सो ये लोग लोड उतना ही करेंगे एस्टिमेट। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी, लेट्स सी हाउ इट गोस। लो जी, पिकअप अपनी हो गई है, मड़ी है फोटो खिंचनी सी, रीफर का टेंपरेचर सेट करता 45 degrees Fahrenheit, 38.3 degrees हो जाता आई थिंक नेड़े तेड़े। चलो आयो दिखाइए कि यार भरिया अंदर, लेट्स सी। ओप्स स्लिपरी। लो जी देखो तो पूरा धुर तक ऐदी भरया पाया, इन हम सिक्योर किमें करिए रब ही जानता, नहीं इन सिक्योर नहीं करीदा, ये ऐदी टिके रेंदे ने। सो असी लाइए कुंडे तो निकलीए। सो शिपर से हम निकल चुके हैं। एक्सक्यूज मी सॉरी, थोड़ा गले में खरखराहट सी हो रही थी। सो शिपर से निकले तो ऐसा हुआ कि उसने जब मेरे को पहली बार में लोड फिनिश किया तो मैंने स्केल किया, तो मेरा भार टोटल ग्रॉस जो होता है वो 80,000 pounds के आसपास होना चाहिए, वाह 80,000 pounds होना चाहिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट 75,500 pounds बना। तो उन्होंने फिर दोबारा से मेरे को डॉक पे लगाया और अबाउट 3,500 pounds और ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन एटलीस्ट उसमें 3,000 के आसपास कुछ ऐसा तो ऐड हुआ है, क्योंकि अभी राइट नाउ जो मेरा ग्रॉस भार है वो अबाउट 78,600 के आसपास है। सो अबाउट 3,000 उन्होंने ऐड किया है, 6, 7, 8 हाँ कुछ इतना ऐड किया उन्होंने। एंड अब जब उन्होंने ऐड किया तो मेरे एक्सल्स का भार थोड़ा अनइवन सा हो गया था, सो वो बैलेंस किया, एक्सल्स मूव किए, एक्सल्स को पीछे को किया या ट्रेलर को आगे को किया, ऐसा कह सकते हैं। सो अभी राइट नाउ जो मेरा भार है वो अगेन फ्रंट के ऊपर 12,000 की लिमिट है, तो अबाउट 11,700 के आसपास है, सो दैट्स गुड। ड्राइव के ऊपर मेरे पास 3/4 तेल है, डीजल है, सो ड्राइव के ऊपर 34,000 और ट्रेलर के ऊपर 34,000 की लिमिट होती है यूएस में, तो 33,200 के आसपास है, और ट्रेलर के ऊपर भी 33,150 के आसपास है। सो ओवरऑल वेट वाइज वी आर गुड टू गो। पेपर वर्क जो है वो शिपर को सेंड कर दिया है, एंड आज बॉर्डर तो क्रॉस नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी जो लॉग बुक है, हमारी जो किताब है, उसके ऊपर अबाउट 5 hours ही बाकी हैं, और क्योंकि साइकिल कनाडा में डिफरेंट चलता है, यूएस में डिफरेंट चलता है, मैं यूएस से एंटर नहीं करूंगा वरना वायलेशन हो जाएगी। सो मुझे रास्ते में या बॉर्डर के आसपास कहीं पे, अब ठीक है, तो थोड़ा रूरल एरिया वाला जो है सड़क बनाई हुई है, एनीवेज बट एटलीस्ट ट्रक्स उनके ऊपर जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। सो निकल पड़े हम यूएस की तरफ। आई डोंट नो, वीडियो हिल रही होगी शायद, मेरा ये स्टेबल नहीं है इतना क्योंकि रोड खराब है इसलिए। सो सब कुछ गुड है, निकल चुके हम यूएस की तरफ, लेकिन अगेन आज यूएस नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या आता है, एंड होपफुली सब बढ़िया जाए। Yeah.
जी, गुड मॉर्निंग जी। नेक्स्ट डे चढ़ गया वा, धुप बहुत सोहनी निकली आ अज, क्योंकि अज असी US एंटर होना ते 10 घंटे की स्लीप पानी बहुत जरूरी है US विच एंटर होने तो पहला, क्योंकि US दे विच 10 घंटे की स्लीप ते कनेडा विच 8 घंटे की स्लीप पानी जरूरी है। लॉग बुक मैंडेटरी है, राइट। सो लॉग बुक के हिसाब नाल जे तो असी, मैं राइट नाउ कैनेडा दे विच क्वेनबरुक रात तक सुत्ता सीगा। सो ओवरऑल यस्टरडे अबाउट 815 किलोमीटर चलिया, पूरी बुक यूज हो गई सी। लास्ट दे अद्धा घंटा बाकी सी बस 13 घंटे ड्राइविंग दे, तो 12.5 घंटे प्रीटी मच इन्हें कि वो ड्राइविंग की है ऑन ड्यूटी। लोडिंग लूडिंग दे विच टाइम ते सवेरे सवेरे ट्रेलर जिहड़ा खराब होया उहदे करके भी टाइम खराब होया। सो वो वेस्ट ऑफ टाइम मेरे लाइक 3-4 घंटे वो उस चीज विच खराब हो गए ओवरऑल, उत्तों दी रिपेयर करवाउणियां ट्रेलर दीआं। सो ये करके फिर थोड़ी जी घट ड्राइविंग हुई कल, तो मैं क्रैनबरुक बॉर्डर तो 1 घंटा दूर रुकना पाया, क्योंकि नहीं तो फिर वायलेशन हो जाती जे मैं US एंटर करके सौंदा, क्योंकि उन्होंने साइकिल जोड़ा आ जो ओवरऑल एक दिन का साइकिल है 24 आवर के जोड़ा साइकिल है वह 14 घंटे का है, तो कनेडा का 16 घंटे का है। सो मेरी शिफ्ट ऑलरेडी 15 घंटे की सी। एनीवेज सो डिलीवरी करनी है अज अपने, हले भी 450 किलोमीटर बाकी है। तेल भी पवाना मैं पोस्ट फॉल जाके या फिर अगे चल के थोड़ा जहा, बट हले तो ओके ही है। रीफर के भी अपनी अद्धी टैंकी पई है अजे, रात में मैं ताला ला लिया अपने ट्रेलर नूं, उन्होंने सील दिती नहीं सी। सो लॉक लाना जरूरी है, नहीं तो लोग होमलैस लोग कदे कदे वेंडलिजम कर देंगे ने, या कोई भी आण के पिछों हूँ आलू चोरी हो गए। हालांकि आलू मैं कढ सकता वैसे क्योंकि खुले पे आ, सो बट नहीं इदा अस कर नहीं सकते ओबियसली। मैं अंदरों रूह नहीं करती ये काम करने का, राइट, ऑनेस्ट बंदे हाँ अभी। सो इदा के काम ना ही करिए बढ़िया गल, बट चांस हैगा मेरे को आलू कढ़ण दा। सुनिया भी है मैं कई दोस्त होर भी बथेरिया कंपनियां जिहड़े मेरे लगे हुए ने, ते वो कदे कदे कहिंदे भी असीं खरबूजा मार लिया संतरे मार ले की कमां हुण मैं दसो, वो इंजॉय करदे अपना पूरा। एनीवेज सो या 450 किलोमीटर बाकी है, ते अबाउट 5 घंटे की ड्राइव आ। सो चलो पहुँचिए, डिलीवरी करिए, US दा बॉर्डर क्रॉस करिए, ते मिलदा मैं अगे चल के। US का बॉर्डर आ गया है किंग्स गेट एंड ईस्ट पोर्ट, जो एंट्री है US के साइड में, किंग्स गेट कैनेडा साइड और US ईस्ट पोर्ट US साइड। सो इसका बॉर्डर आ गया है। अच्छी बात यह है कि सड़कें साफ थी ओवरऑल इस ट्रिप में, फॉर नाउ। अभी आगे स्पोकेन क्रॉस करेंगे तो पता नहीं कैसा होगा, वी विल सी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस कि अच्छा ही हो। यॉर्क टाउन है यहाँ पे, उसकी स्केल ओपन ही थी, लेकिन CBSE वाले भाई साहब ने कुछ नहीं कहा। और ओवरऑल हमारा वेट भी US के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, सो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली थी। यही एक बेनिफिट है US के भार, लोड्स का जो भार होता है ना वो कनाडा से कम ही है। सो अगर हम US का लोड उठाते हैं या US से वापस आते हैं कनाडा में, तो हमेशा भार हमारा कम ही होता है। सो कभी वेट का इश्यू है ही नहीं जब भी हम US के साथ डील करते हैं। लो जी, बस आधा किलोमीटर रहता है। हर बॉर्डर पे ड्यूटी फ्री सेक्शन भी आता है। In 1.5 kilometers, turn right.
लेकिन ये बात है कि ये पहाड़ों में है तो व्यू बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, मज़ा आता है ये पेड़ वेड़ देख के, बड़े बड़े पहाड़ देख के, इट्स रियली नाइस। 70 की स्पीड लिमिट है रे बापा, 70 की स्पीड हो जाओ धीरे धीरे। US border, one आधा किलोमीटर है ये। रेड ड्यूटी फ्री शॉप ऑन द राइट साइड, बट मैं कुछ लेता नहीं हूँ वहाँ से, सो विल जस्ट बाईपास इट। क्लाउडी क्लाउडी सा हो रखा है, आई होप कि सब बेटर ही हो। लोहे का ब्रिज, नो स्टॉपिंग ऑन द ब्रिज, ब्यूटीफुल है, अच्छा अच्छा व्यू है इसका वैसे ओवरऑल। ये राइट साइड पे ट्रक पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे हम कोई वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन रात को अगर सब ठीक है, यू नो, आप एक नंबर दो नंबर, तो आप यहाँ पे रात काट सकते हो और फिर US एंटर हो सकते हो, तो वायलेशन वगैरह लॉग बुक की होने से बच जाते हैं हम लोग। तो ट्रक्स राइट साइड पे, सो ऑब्वियसली ये मेरे आगे ट्रक जा रहा है, तो हम इस भाई साहब को फॉलो करेंगे। मुझे उतर के अपना रीफर भी बंद करना पड़ेगा। सो ये भाई साहब थोड़ा आगे जाके रुकेंगे, तो इसके पीछे हम रोक के कर लेंगे। ये स्टॉप मेरे लिए नहीं है। ओह, इन्होंने गाड़ियों वाला भी ट्रकों के थ्रू खोल के रखा हुआ है, मन मर्जी करते। तीन लेने हैं यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने की, तो कुछ भी करते हैं, अपनी मन मर्जी का काम करते हैं। चलिए मैं रीफर बंद करके आता हूँ, रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं मेरे को, विल सी। So you got an issue. Okay. Your BTA, FDA prior notice isn't satisfied. BTA, FDA. Your FDA is not satisfied. It can't come in until it's satisfied. So is it like the, we have to, sorry, I'm not familiar with it, we have to wait for it? Yes. Oh. Normally, how long does it take? I have no idea. Oh, okay. When did you get this load? Yesterday, like noontime. When did they say it was clear to come down? Well, dispatch sent me the manifest and it was supposed to be good after that. Well, it's not. Usually what happens is that the broker puts us in. Okay. And so they've been put in for the last 15, 20 minutes, and so the FDA hasn't had a chance to look at it. Oh, so they gotta review the paperwork and everything until. Okay. So, what are the options? I did not know that before. That's because it usually happens automatically and you don't have to worry about it. Okay, okay. But now you do. It's all the things that happen before you get here. Okay, okay, okay. Alright, this is what I'm going to have you do. I'm going to have you park and then come inside the office. Okay. I'm about ready to get out of here. I'll meet you inside the office. Okay, right? Sure. Okay, we'll do that. I'm good to park there, right? Okay. Yeah.
There should be. Yeah, I'll park beside that truck. Just pull all the way forward to the road. Oh, to the road? Yeah. Okay, okay. Thank you. ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ, ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੇਟ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਸਪੈਚਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ ਬਿਫੋਰ ਕਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਬੋਰਡਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯਾ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਓਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਫ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਟੀ ਏ ਬਾਇਓਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਡਾਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਪੀਡ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਲਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਟਿੰਗ, ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਾਈਲਸ, ਲਓ ਜੀ ਮਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਯੂ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲਸ, ਡਿਜਿਟਸ, ਵਟਐਵਰ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, 29, ਅਭੀ 29 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਰੂਰਲ ਸਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਮੈਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਟਾਊਨ ਥਾ, ਜਿਸ ਟਾਊਨ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਥੈਲੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਮੇਂ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਸੂਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਵੀ ਸਨੋਅ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਆਪ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ -19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੇ +10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਾ ਔਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਨ
800 के आसपास किलोमीटर के डिफरेंस पे कितना फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर का, राइट? सो टोटली खेतीबाड़ी का एरिया है ये, आई थिंक किसी का फार्म है, घर है, और पीछे कितने फार्म इक्विपमेंट्स रखे हुए इन्होंने, टोटली लाइक सी बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े हैं, ये घर है, मस्त गाड़ी है, अच्छा है, वाइब है पूरी फार्मिंग की, और व्यू, मौसम, सूरज तो ठोक के निकला हुआ है, गर्मी खूब पड़ रही है, मेरे को भी हीट बंद करके थोड़ा सा ठंडा हवा चलाने का मन किया, राइट? गर्मी लग रही थी। ओके, सो आई गेस ये पहली बिल्डिंग तो उनका ऑफिस था बस। अभी उन्होंने कहा कि हमारे वेयर हाउस जो यहाँ से अबाउट 1.5 किलोमीटर के पास आगे है, वहाँ पे जाके अनलोड करके फिर से वापस आना है, तो वो पेपर वर्क मिल जाएगा वहाँ से। सो लेट्स गो गेट अनलोडेड। लब गया जी, लब गया टेरा गोल्ड फार्म, लब गया, क्या बात है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। सॉरी मेरा माइक्रोफोन नहीं लगा हुआ है तो मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी और ट्रक की ज्यादा आ रही होगी। बंदा मेरा वेट कर रहा है। सील तोड़नी है जो बॉर्डर वालों ने लगाई थी।
ਅੱਜ ਦਿਖਾਈਏ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। मशीन बनाई है भाई, क्या मशीन बनाई है। होपफुली मेरी आवाज़ अच्छी आ रही हो। तो ये मशीन, वो बंदा बैठा है ऊपर, ऐसे ही आगे जाई जाएगा और ये पोटैटो निकल के सारे वो ऊपर ढेरी लगी हुई है, वहाँ पे गिर जाएंगे सब कुछ। हाँ, नाइस वे टू एम्प्टी अ ट्रेलर, इंटरेस्टिंग, पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्या चीज़ बनाई है। जिस प्रकार से रस्ट लगी हुई है इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम से यूज़ कर रही है ये सब कुछ। तो आई गेस ये चीज़ें कब से चल रही हैं यहाँ पे यूएस में। दैट्स गुड। ये करेंगे क्या ऐसे आलू के ढेर लगा के यहाँ पे, आई डोंट नो, चिप्स बनाएंगे कि बेचेंगे लफाफे में डाल के, आई डोंट नो। चलो ख़त्म करते हैं डिलीवरी, थोड़ी देर में हो जाएगी। बाहर बहुत अच्छी धूप आई हुई है, जैसे इंडिया वाली एकदम मस्त, 10 डिग्री सेल्सियस हुआ है, मज़ा आ रहा है। जैसे 12-1 बजे 2 बजे पंजाब में धूप आती थी, कोठे पे जाके बैठना, मूँगफलियाँ खानी, अखबारें पढ़ने, यू नो कुछ भी करना, ऊपर पढ़ाई करनी, एग्ज़ाम्स का टाइम होता था मार्च। एंड वो भाई साहब वापस आ रहे हैं, ये पीछे ट्रक आ रहा है ना, वो सामने पीछे वो रहा, हम मैं और वो दोनों ने साथ साथ में लोडिंग किया था, उसकी अनलोडिंग हो चुकी है पहले। अंदर मिट्टी उड़ रही है पोटैटोज़ की वजह से, तो थोड़ा बाहर आके खड़ा हो गया, बट अभी मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगेंगे, अनलोडिंग हो जाएगी यहाँ से, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये वेयर हाउस है, इसके अंदर बैक किया मैंने, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था पीछे, कुछ भी नहीं, डार्क, पूरे डार्क में गया हूँ अंदर। हालांकि टॉर्च लाइट से हेल्प करते हैं, टॉर्च लाइट से वेव करते हैं, आ जाओ, एंड यू नो इनके एक स्टाइल होता है। ये मैकेन की कंपनी है, मैकेन की फ्राइज़ आपने खाई होंगी, वॉलमार्ट में फ्रोज़न साइड लगी होती हैं मैकेन के प्रोडक्ट्स। ओ मे बी शायद ये, आई डोंट नो क्यों आया होगा वापस, क्योंकि आई डोंट नो, व्हाटएवर, मे बी वॉशरूम की वजह से, मे बी इसको कोई लोड नहीं मिला होगा यहाँ पे, शायद इसको वो करना होगा, वेट करना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है, बहुत ही खुला यार्ड है इनका वैसे। एनीवेज हमारी लोडिंग का फिनिश होने का वेट करते हैं। लाओ जी, अनलोडिंग हो गई है, तो हुण दोबारा वापस असी ऑफिस जाना है, दोबारा स्केल के उत्ते चढ़ाना है, तो एम्प्टी वेट करके दोबारा ऑफिस के अंदर जाके फिर इन्होंने पेपर वर्क देना अपन। सो चलो ये भी काम कर लिए। जो बंदा मेरे से पहले डिलीवरी करने आया था वो भी यहाँ वापस आके आई गेस सफाई कर रहा है कि क्या कर रहा है। मैं भी देखता हूँ मुझे क्या करना है वहाँ पे करके, और फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैं भी इधर वापस आके थोड़ी सी सफाई, इन द सेंस कि अभी भी आलू पड़े हुए हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको कितना गंदा है अंदर, विल सी। ओके सो पेपर वर्क अपन ने डिस्पैच में भेज दिता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। सो आज आप हम ट्रेला चेक कर दे कितना गंदा कितना नहीं है, तो लफाफा भी चेक करने मे भी थोड़े जे आलू बच गए होने हैं, लेट्स सी। ओके सो आ हालात ने जी ट्रेले दे आफ्टर डिलीवरिंग पोटैटोस, जो उनकी मशीन थी उसने
जो ऐसे फंसे हुए थे आलू को तो आधे कर दिए, तो इनका क्या अचार डालूं मैं? सब आलू ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइडेड है, सो बेटर यही है कि मैं जाके इनको धुलवा लूं। धुलवाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ये कटे हुए आलू का लाइक क्या बनाऊं मैं, चिप्स बनाऊं बैठ के? सो आई थिंक ट्रक वॉश जो है, शॉप जो भी होती है, वो बंद होने से पहले एटलीस्ट मैं धुलवा लूँ, ताकि फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैं तैयार रहूँगा। बिकॉज दिस इज़ लाइक मैं झाड़ू लगाऊँ तो भी साफ़ नहीं होगा ये, क्योंकि गीला है, मिट्टी है, ज़मीन जम जाएगी और फालतू के नखरे नेक्स्ट शिपर भी दे सकता है। सो थोड़े इसके मे बी चार्ज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गंदा ज़्यादा है, बट यू नो कंपनी पेज फॉर इट। ये वैसे भी मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, सो धुलवाना तो पड़ेगा ही कुछ भी करके। ऑलराइट, दैट्स फाइनल, डोर लगाते हैं। और देखना है आपको वॉश, ट्रेला वॉश कैसे होता है, फिर वो भी ऐड कर ही देते हैं इसके साथ। चलो लो जी, ट्रक वॉश पे पहुँच गए अभी, A1 ट्रक वॉश। लाइट ख़राब हो गई यार मेरी, इसको क्या हो गया? क्या हो गया तेरे को लल्ला, क्यों बंद हो गई? हाँ जी, हो गया डन? हाँ हाँ, कर दो कर दो भैया। मैं जो जा सादा सिंपल में पानी मार के कर देना, बचाड़ मार देना इसमें। ओके ओके, जाना लोड करना सिंपल ही, बहाना ना मार दो मैं हो। ना ये लाइट नहीं चल रही है रे बाबा, सवेरे तो चलती सी यार, ਝਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਵੋ $45 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ $165 ਲਗੇਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਆਲੂ ਖਿਲਰੇ ਪੜੇ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ we have to pay $165 US। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लो इंडियन रुपीज में, तो 150 के हिसाब से $100, 6000 रुपये तो वही हो गए। नहीं 68, कितना रेट है यार US का पता नहीं, मैं तो 68 रख लो, चलो 7000 रख लो, अरे 10000 रख लो यार। चलो बंदे का वो पहले वो उसका पानी मारना है, तो वो पहले वो करने लग गया, फिर मेरी बारी आएगी। Let's see how it goes। बट यहाँ पे भी पंजाबी काम करते हैं, पासको टाउन जो है ना यहाँ पे पंजाबी, वो नया लफ्ज़ वहाँ पे है, सो अच्छी बात है। वो पहले था नहीं, वो बहुत जल्दी बनाया इन्होंने। यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत रहती थी हमें ट्रक पार्क करने की, और अभी तो लफ्ज़ आ गया है तो हमें फ्री शावर्स वगैरह मिल जाएगा नहीं वहाँ से। All right, let's get this washed। अभी भाई ने ना धूड़ा पड़ती है, क्या बात है, वेरी नाइस। हालांकि $175 इदा लगता डिजर्व नहीं करता है, $165, बट चलो हम जो रेट है देना ही पैना। की करिए की करिए, एकदम भर भर के गंदगी निकल रही है वहां से। और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो एक फट से आलू बाहर आ रहे हैं। तो इन वन वे यू नो क्वालिटी भी मिलती है, अगर ज़्यादा रेट दे रहे हैं तो क्वालिटी भी वैसी मिलती है। क्या अंधेरा हो रहा है रे भाई साहब, अंधेरा कायम है। आलू मोकरे नहीं पे, पता नहीं कितने आलू होते पे ने। अभी वॉश आउट होने दिया। Alright, so इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। ओवरऑल आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। बहुत कुछ देखा। नेक्स्ट टाइम कुछ और नया ले आएंगे, कुछ नया बनाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा और एंटरटेन करने का। सो इस व्लॉग में इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो पहले जाके सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, see ya. Sat Sri Akal.